जय हिंद। मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों स्वागत है। T20 रैंकिंग्स हर बुधवार को आती है और आज भी आ गई है और इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मिला ये है कि भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव जो है वो 3 दिनों के लिए नंबर वन बल्लेबाज बने थे और ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो भारत के तीसरे बल्लेबाज भी बने। गौतम गंभीर, विराट कोहली के बाद सूर्य कुमार यादव जो है T20 रैंकिंग्स में नंबर वन बल्लेबाज बनने का गौरव प्राप्त किया 3 अक्टूबर को। दरअसल में जब सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो धुआंधार उन्होंने पारी खेली थी, तो उस दिन जो है सूर्य कुमार यादव के रेटिंग पॉइंट्स हो गए थे 854 और उस समय जो है रिजवान के भी 854 ही थे। तो दोनों नंबर वन बल्लेबाज बने थे, लेकिन उसके बाद जब मुकाबला हुआ, कल का मैच हुआ, वहां पर सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला और मोहम्मद रिजवान फिर से जो है नंबर वन बल्लेबाज बन गए। तो इस समय नंबर दो पर आपके जो है सूर्य कुमार यादव हैं, 838 रेटिंग पॉइंट्स है और मोहम्मद रिजवान के 854 रेटिंग पॉइंट्स है। तो मोहम्मद रिजवान फिर से दुनिया के नंबर वन T20 बल्लेबाज बन गए। तो ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई चलती रहेगी, T20 विश्व कप तक चलती रहेगी और मुझे लग रहा है कि हमेशा चलती रहेगी। लेकिन बीच में बाबर आजम भी फंस गए हैं, नंबर 3 पर बाबर आजम है और उनके 801 रेटिंग पॉइंट्स है। तो 3 दिनों के लिए जो है आपके मतलब सूर्य कुमार यादव जो है दुनिया के नंबर वन T20 बल्लेबाज बने थे, लेकिन उसके बाद तुरंत ही अगले ही मैच में खराब प्रदर्शन की वजह से, यानी कल के मैच में इनका बल्ला कुछ चला नहीं तो नीचे भी आ गए। तो नुकसान हुआ है सूर्य कुमार यादव को, लेकिन हाँ, रिजवान एक बार फिर से दुनिया के नंबर वन T20 बल्लेबाज बन गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए स्पोर्ट्स चौक के साथ बने रहिए। धन्यवाद।